हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्रैब साइकिल के बारे में अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछे तो आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन से वीडियो के लास्ट तक आपको लिखना होगा लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाए तो आपको बस साइकिल बनाना है मतलब वीडियो के लास्ट में जो एक साइकिल में दिखाऊंगी वो बस आपको एग्जाम में बनाना है उसमें आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा क्या होता है क्रैब साइकिल तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड एन टू सी ओ टू एन वाटर इज कॉल्ड क्रैब साइकिल क्या होता है तो एसिड का सीओ टू और जल में ऑक्सीकरण को क्रेब साइकिल, कहा जाता है। ये जो है, साइकिल इसको भी कहा जाता है क्योंकि ये साइकिल स्टार्ट ही होता है बनने से। और ये जो सिट्रिक एसिड होता है ना एक तरह का कार्बोज एसिड होता है जिसमें तीन सीओ एच ग्रुप होता है दिस साइकिल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई क्रैब्स इन नाइनटीन थर्टी सिक्स ये जो साइकिल है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था क्रैब्स ने उन्नीस सौ छत्तीस में दिस साइकिल अक्कर ऑनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हैंस इट इज कॉल्ड एरोबिक प्रोसेस ये साइकिल जो होता है ये बस ये क्या होता है ये बस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है इसलिए इसको एरोबिक प्रोसेस भी कहा जाता है

इंजाइम है इसको कैटलाइज किया जाता है इंजाइम एक्नोटेज के द्वारा उसके बाद है हाइड्रेशन टू हाइड्रेशन वन द सिस एकोनेटिक एसिड इज हाइड्रेटेड एंड इट फॉर्म आइसोसिट्रिक एसिड उसके बाद सिस आइको एकोटोनिक एसिड जो है वो हाइड्रेटेड होके हाइड्रेटेड होके ये आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है और ये रिएक्शन को कैटलाइज किया जाता है इंजाइम एक्नोटेज के द्वारा उसके बाद है डी हाइड्रोजनेशन आइसोसेट्रिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसेट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म एग्जेलोसुकेनिक एसिड ये जो आइसोसेट्रिक एसिड होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है डीहाइड्रोजनेशन में जाता है किसकी उपस्थिति में तो आइसोसेट्रिक एसिड की उपस्थिति में जाता है और ये डिहाइड्रोजेनेस से क्या बनाता है ऑग्जेलोसुकेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर लिखना है एन ए डी प्लस टू एच वो बनाता है एन ए डी एच प्लस प्लस एच प्लस उसके बाद डी कार्बोलाइजेशन द ऑक्लो सुनिक एसिड अंडरगो डी कार्बोलाइजेशन टू फॉर्म यू कीटोलियोरेटिक एसिड ये क्या होता है सॉरी म्यू होगा वहां पे तो द दिलोनिक एसिड जो होता है फिर वो डी कार्बोलाइजेशन में जाता है और वहाँ पे म्यू किटोल्यूटेरिक एसिड बनाता है दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाई ऑक्जेलोसिकेनिक एसिड डी कार्बोलाइज क्या होता है इस रिएक्शन को कैटलाइज किया जाता है ऑक्जेलोसुकेनिक एसिड डी कार्बोलाइज के द्वारा डी कार्बोक्सीज के द्वारा उसके बाद है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोलाइजेशन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डी कार्बोलाइजेशन अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू टू सुकेनाइल ए। ऑक्सीडेटिव डी कार्बो के दौरान क्या होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है वो सुकेनाइल कोइंजाइम ए में बदल जाता है दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाई अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस इस रिएक्शन को कैटेलाइज किया जाता है अल्फा कीटो ग्रोजार्मिक एसिड बाय द रिमूवल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम सुनिकता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉर्मिक एसिड के द्वारा क्यों तो दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके

क्या होता है इसमें ऑक्जेलो एसिड जो होता है वो फिर से फॉर्म करता है मैलिक एसिड से एक प्रोसेस के द्वारा जिसको कहा जाता है डीहाइड्रोजेनेशन दिस रिएक्शन इज केटलाइज बाई मेलिक एसिड डीहाइड्रोजेनेस

उसके बाद आपको ये क्रैप साइकिल पूरा बनाना है आप अगर एग्ज़ाम में आपके पास कम टाइम हो ना तो आप क्या कीजिएगा ये साइकिल ही बस बना दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि जो आप थ्योरी में लिखे हैं बस ये साइकिल में बना हुआ है और कोशिश कीजिएगा ये कलर पेन से लिखने का जितने जो बोल्ड लेटर में मतलब ब्लैक से लिखा है ना वो आप पिंक कलर से लिखिएगा और नीचे लिख दीजिएगा क्रैप साइकिल और क्रैप साइकिल को अंडरलाइन कर दीजिएगा बस यहीं तक आपको क्रैप साइकिल में लिखना है